नारद जी कहते हैं कलयुग की ऐसी दशा है कि जो साले हैं, साले पत्नी के जो भाई हैं, वे सलाहकार बने हुए हैं। ये भागवत में लिखा है, तो ये तो साधारण सी बात है, इसमें इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की क्या आवश्यकता है। तो कहा नहीं नहीं छोटी बात नहीं है, जब साले सलाह देने लगते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, अपने माता पिता की बात नहीं मानता, बड़े बुजुर्गों की बात घर में नहीं मानता, लेकिन साले ने जो कह दिया उस बात को मानता है। देखिए इतिहास में बहुत उदाहरण है जहां सालों ने सारा घर बर्बाद करके रख दिया। कैसे कैसे उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है जिसमें किसी साले के कारण कुछ बहुत विकट परिस्थिति आ गई हो? शकुनी। तो शकुनी एक ऐसा साला था जिसके कारण संपूर्ण महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि माता पिता की बात मान लेना चाहिए, सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए। क्या कहा? सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए। अब ये बात माताओं को थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन मैं अपनी ओर से तो कह नहीं रही, यह तो भागवत में लिखा है। श्याल को बुद्धिदायक है, और सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी से यदि लड़ने जाओ तो इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं। तो हर प्रकार से हम तो सुरक्षित हैं। श्याल को बुद्धिदायक है, ये पद्म पुराण में लिखा है, भागवत के महात्म्य में। और कहते हैं सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए, माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए, क्योंकि सच तो यह है कि इतिहास में सालों के बड़े बड़े इतिहास हैं, इतिहास में सालों के बड़े बड़े इतिहास हैं, और तय उनका बंटा ढार है जिनके साले उनके पास हैं। तो यदि साले साहब आकर घर में अपना डेरा जमा कर रहते हो तो क्या करना चाहिए? तो घर के समझदार व्यक्ति को कढ़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। उन्हें कोई आयोजन हो, कथा कीर्तन हो तो बुलाना अवश्य चाहिए, उनसे काम करवाना चाहिए, आयोजन में सहायता लेनी चाहिए, उनको सत्संग देना चाहिए, लेकिन उनका संग लेना नहीं चाहिए, उनकी बात को अधिक मानना नहीं चाहिए, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो उन्हें थोड़े बहुत दिन घर में रखकर और विदा कर देना चाहिए, क्योंकि शकुनी जैसे यदि हस्तिनापुर में ही रहे आए तो सारे हस्तिनापुर को नष्ट कर देंगे।